हेलो गाइस वेलकम टू दिस चैनल आज हम बात करेंगे एक बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग टॉपिक की जो मतलब हाल ही के कुछ एक दो महीने में या फिर कह लीजिए एक साल में सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग अगर कोई टॉपिक है तो यही है एंड दैट इज़ ब्लॉकचेन सो ब्लॉकचेन डेवलपमेंट के बारे में ब्लॉक टेक्नोलॉजी के बारे में हम आज पूरी बात करेंगे अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए चैनल को शेयर कीजिए लोगों के साथ वीडियो अगर आपको पसंद आ रही है वीडियो एंड वीडियो एंड तक देखिए क्योंकि आपने अगर आधा अधूरा वीडियो देखा तो आपको बिल्कुल भी कुछ भी समझ में नहीं आएगा इसलिए आप एंड तक वीडियो देखिए एंड शुरू करते हैं फिर वीडियो को राइट तो आप ये सोचिए कि आप अभी YouTube वीडियो देख रहे हैं अब ये YouTube वीडियो कहीं पर तो आपके जो डेटा बेस है ये वहा, वहाँ पर या फिर जो सर्वर्स है वहाँ पर यह स्टोर होगा सो so अगर आप एक ऐसा सोचिए कि एक दिन मैंने कुछ आ, मैंने कुछ वीडियो डाला और YouTube को शायद वो पसंद ना आया या फिर जो गवर्नमेंट गाइडलाइन से उन्हें वो पसंद ना आए और उन्होंने वो बैन कर दिया सो so वो बैन कैसे करेगा यूट्यूब वीडियो की अथॉरिटीज़ है वो यूट्यूब सर्वर को बोलेगी या फिर गूगल को बोलेगी कि ये जो वीडियो है इसे बैन कर दीजिए और एक सेंट्रलाइज मतलब कि एक सेंट्रलाइज अथॉरिटी है जो है गूगल या फिर यूट्यूब जो इस ये सब चीज़ें मैनेज करेगी और मेरा जो वीडियो है वो डाउन कर देगी सो so बेसिकली यहाँ पर ऐसे बहुत सारे वीडियोज़ होते हैं ऐसे बहुत सारे क्रिएटर्स हैं जिनके ऊपर ये बार बार होता रहता है कि उन्होंने कोई भी चीज़ अगर गवर्नमेंट के खिलाफ बोल दी या फिर कोई भी गाइडलाइंस के खिलाफ बोल दिया तो सीधा उनका जो वीडियो है या फिर चैनल भी कभी कभी बैन हो जाता है तो ये सब चीज़ें क्यों हो रही है क्योंकि एक सेंट्रलाइज सिस्टम है जो ये सब चीज़ें कंट्रोल कर रहा है तो बेसिकली आपका जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है फ्रीडम ऑफ स्पीच है आ, या फिर ऐसी जो चीज़ है वो आपकी बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है इस वजह से ये सब क्यों हो रहा है क्योंकि ये एक सेंट्रलाइज सिस्टम की वजह से हो रहा है लेकिन आप सोचिए कि अगर एक डी सिस्टम हो जहाँ पर कोई कंट्रोलर ही नहीं हो सब लोग अपने अपने हिसाब से कोई भी चीज़ें क्रॉस चेक कर सकते हैं कोई भी चीज़ें कंट्रोल कर सकते हैं एक सेंटर ही ना हो तो वो कितना ज़्यादा अमेजिंग होगा और वही चीज़ ब्लॉकचेन होती है ब्लॉकचेन एक डिसेंट्रलाइज सिस्टम है सो so, ब्लाक चेन मतलब नाम से ही हमें समझ में आता है कि ब्लॉक्स ऑफ चेन है अलग ब्लॉक्स ऑफ रिकॉर्ड्स है मतलब डेटा है जो ब्लॉक में स्टोर होता है सो so, बेसिकली अगर आप ब्लॉक की बात करें तो वो ब्लॉक कैसे दिखता है वो हम समझते हैं कि एक ब्लॉक होता है जिसमें एक पार्ट आपका डेटा होता है मतलब जो भी आपका डेटा है वो स्टोर करने के लिए वो डेटा का पार्ट होता है दूसरा पार्ट होता है कि हैश एड्रेस उस ब्लॉक का हैश एड्रेस हैश एड्रेस मतलब ऐसे समझिए कि एक की होती है की वैल्यू पेयर जैसे होता है वैसे होता है कि वो एक हर एक ब्लॉक को एक की स्पेसिफाई की जाती है सिक्योरिटी कोड समझ लीजिए या फिर कुछ भी कह लीजिए तो वो एक आपका हर एक ब्लॉक के लिए हैश एड्रेस होता है और सेकेंड जो थर्ड पार्ट होता है उसका वो है प्रीवियस ब्लॉक जो है मतलब कि वो चेन में जो प्रीवियस ब्लॉक है उस ब्लॉक का एड्रेस भी उसमें स्टोर्ड होता है सो so, एक एक ब्लॉक में ये तीन चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है एक ब्लॉकचेन के ब्लॉक में ये तीन चीजें होती है एक बात आपने बहुत ज्यादा सुनी होगी कि ब्लॉकचेन सबसे ज्यादा सिक्योर्ड है अभी इसका रीजन यही है कि आपका अगर ब्लॉक है अगर आपके ब्लॉक में कुछ भी चेंजेस करने हैं जैसे कि सपोज ये तीन ब्लॉक्स है और अगर मेरे को बीच वाले ब्लॉक में कुछ चेंज करना है जैसे कि मैंने उसका डेटा चेंज कर दिया तो उसका हैश वैल्यू भी चेंज हो जाएगा तो साइन ियसली अगर मेरा मिडल ब्लॉक का हैश वैल्यू चेंज हो गया तो उसके आगे वाला जो ब्लॉक है उसका भी हैश वैल्यू चेंज हो गया क्योंकि वो प्रीवियस ब्लॉक का भी हैश वैल्यू जो है वो स्टोर कर रहा है तो मतलब वो भी चेंज हो गया हिसाब मतलब से पूरा मतलब जो आपका ब्लॉक है जो चेन है वो पूरा ही चेन चेंज हो जाएगा मतलब आपने एक ब्लॉक में चेंज किया तो आगे के सारे, सारे चीजें चेंज चीज़ हो जाएगी सो so बेसिकली मतलब आपको हर एक ब्लॉक का एड्रेस चेंज करना पड़ेगा तब जाकर आप ये चीज़, कोई भी चीज हैक कर सकते हो या फिर कोई भी चीज एक्सेस कर सकते हो जो बिल्कुल मतलब क्लोज़ टू इम्पॉसिबल है क्योंकि हजारों लाखों ऐसे नोड्स हो गए हजारों लाखों ऐसे ब्लॉक्स हो गए जो इससे कनेक्टेड हो गए तो आप कितने ही चेंज कर लोगे एक एक चेंज करने के लिए भी आपको इतना ज्यादा टाइम लगेगा एक बिटकॉइन का एक ब्लॉक चेंज करने के लिए आपको टेन मिनट्स मिनिमम लगते हैं सो आप सोचे मतलब कि आपको सौ हजार साल लग जाएंगे ये सब चीजें करने के लिए हर एक ब्लॉक को चेंज करने के लिए तो बेसिकली यही है कि आपका इसलिए सिक्योर्ड होता है ये तो जो ब्लॉक है ये कहाँ पर यूज़ होती है सो बेसिकली बिटकॉइन एक है बिटकॉइन सबसे ज्यादा पॉपुलर है उसके बाद आपके जो ट्रेडिंग एप्स होते हैं उसमें ये सबसे ज्यादा यूज होता है उसके बाद आपकी जो स्मार्ट वोटिंग है वो भी इससे हो सकती है आप सोचिए अगर वोटिंग सिस्टम अगर ऐसी हो रही है कि आपका ब्लॉक में है तो कितना ज़्यादा सिक्योर रहेगा पूरा डेटा और आपको पता भी नहीं चलेगा कि किसने किसको वोट किया ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा मतलब अच्छी तरीके से हो सकती है सो ये एक है वोटिंग में यूज़ होता है उसके बाद आजकल रियल इस्टेट में जो नोटरी होती है या फिर जो भी एग्रीमेंट्स होते हैं वो भी बहुत सारे आजकल जो ब्लॉक बेस्ड टेक्नोलॉजी है उसके ऊपर हो रही है राइट right, तो अभी एक एक एग्जांपल लेते हैं कि बिटकॉइन का ही एग्जांपल लेते हैं कि मुझे एक ट्रांसफर करना है मेरे अकाउंट से दूसरे किसी अकाउंट में दैट इजे पांच हजार मेरे अकाउंट से किसी और के अकाउंट में करने हैं लेकिन एक कोई हैकर है और उस हैकर ने पाँच हजार से ए टू बी के जगह ए टू सी मतलब मेरे से सी कोई अकाउंट में ही उसे ट्रांसफर कराना है तो वो कैसे करवाएगा वो ऐसे एक ब्लॉक में चेंज करेगा कि ए टू सी होना चाहिए डेटा डेटा में वो स्टोर डेटा में वो चेंज करेगा कि ए टू सी ट्रांजेक्शन होना चाहिए लेकिन मैंने जैसे पहले ही बोला कि ये एक डिसेंट्रलाइज सिस्टम है मतलब कि बहुत सारे सेंटर नहीं है, बहुत सारे है, और, एक बहुत बड़ा है का, और फिर वो सब नेटवर्क को ऐसे कही so, हर एक नेटवर्क को वो वेरीफाई करना पड़ेगा ट्रांजेक्शन ट्रांजेक्शन है ए टू सी ये हमने हमारे पास जो डेटा है वो उसके साथ चेक हो रहा है कि नहीं या फिर वेरीफाई हो रहा है कि नहीं तो आप सोचिए अगर आपको Uh, तो इसमें एक चीज़ इम्पॉर्टेंट uh, है कि 51% परसेंट का शेयर चाहिए मतलब 51% परसेंट का वोटिंग परसेंटेज चाहिए कि ये जो डेटा है आपको इंस्ट्रक्शन दिए या फिर जो भी आपको इंस्ट्रक्शन uh, मिली है वो वैलिड है कि नहीं ये प्रूफ करने के लिए आपको 51% परसेंट मिनिमम आपको वोट चाहिए मतलब 51% परसेंट नेटवर्क ने ये अग्री करना चाहिए कि ये जो भी वोट डाला है या फिर ये जो भी इंस्ट्रक्शन आई है वो वैलिड है कि नहीं है तो आप ये सोचिए कि आपको 51% वन परसेंट ऑफ द होल नेटवर्क इतना बड़ा नेटवर्क है उसका 51% आपको हैक करना पड़ेगा तब जाके आप एक या एक ट्रांजेक्शन या फिर एक जो भी आपने इंस्ट्रक्शन पास की है वो आप वैलिड समझ सकते हो सो फिफ्टी वन ऑफ लैक्स एंड करोड्स ऑफ नेटवर्क्स इज लाइक इम्पॉसिबल मतलब ये हो ही नहीं सकता अभी तक तो अभी तक तो कभी हुआ नहीं है ये सो so, ये करना इतना ज़्यादा डिफिकल्ट है सो so, इसलिए ये इतना ज़्यादा सिक्योर माना जाता है बिटकॉइन बिटकॉइन इतने ज़्यादा सिक्योर माने जाते हैं या फिर ब्लॉक इन द सेंस मतलब कि पूरा ब्लॉक टेक्नोलॉजी इतना ज़्यादा सिक्योर इसलिए माना जाता है क्योंकि अभी डेवलपमेंट की बात करते हैं तो आपको डेवलपमेंट के लिए दो टाइप के डेवलपर्स होते हैं एक जो एग्जिस्टिंग ब्लॉक है उसको यूज़ करके कुछ डेवलपमेंट करते हैं और दूसरे जो है वो कोर मतलब खुद एक ब्लॉक डेवलप करते हैं सो पहला वाला जो होता है वो ऑब्वियसली uh, जो एप्लीकेशन डेवलपर्स रहते हैं उनको बोलते हैं और सेकेंड वाला जो होता है वो कोर डेवलपर्स होते हैं सो so, जो एप्लीकेशन डेवलपर्स है उन्हें सॉलिडिटी लैंग्वेज सबसे इंपॉर्टेंट होती है ब्लॉक डेवलपमेंट में वो सीखनी पड़ती है उसके बाद आप उसके बाद आपको इथीरियम ये ब्लॉक के ऊपर आप सॉलिडिटी यूज़ कर सकते हो मतलब सॉलिडिटी यूज करके आप इथेरियम जो ब्लॉक है उसको आप मतलब कि आपके प्रोजेक्ट पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हो ट्रफल सूट सीखना पड़ेगा सो so, ट्रफिल सूट क्या करता है कि आपका जो ब्लॉकचेन का इन्वायरमेंट है वो सेट करता है मतलब आपका जो भी प्रोजेक्ट रहेगा उसको एक्चुअली आप तो मतलब ट्रेडिंग करोगे नहीं आप जाके क्योंकि क्योंकि जो बिटकॉइंस रहते हैं या फिर जो भी क्रिप्टो करेंसी है वो इतनी ज्यादा महंगी है तो ऑब्वियसली आप वो तो टेस्ट करोगे नहीं सो so, एक टेस्टिंग एन्वायरमेंट सेटअप करता है ट्रफिल सूट उसके बाद आपको एक और चीज सीखनी पड़ेगी वो है गनाश सो गनाश क्या करता है कि आपका जो लोकल सिस्टम है तो उसके ऊपर आपका ब्लॉक चेन का एन्वायरमेंट सेट करता है और आप वहाँ पर रियल रियल नहीं मतलब कि जो आपका डेमो जिसे कहते हैं हम वैसे ट्रेडिंग्स ट्रेडिंग्स कर सकते हो आपको इथीरियम मिलेगा आपको हंड्रेड इथीरियम के जो ईथर uh, है वो मिलेंगे सो so उसके साथ आप एक्चुअली ट्रेड करके आप चेक कर सकते हो कि आपका जो भी प्रोजेक्ट है वो वर्किंग है कि नहीं तो ये आपको गन्नाश करके देता है एंड सबसे लास्ट में आपको एक और चीज सीखनी पड़ेगी दैट इज वेब थ्री टूल तो वेब थ्री टूल क्या है कि आपका जो बैकहेंड है और जो आपका फ्रंट एंड है उसको कनेक्ट करने के लिए वेब थ्री टूल यूज़ करते हैं वेब थ्री किट भी बोलते हैं उसे तो वेब थ्री वही करता है कि आपका जो भी सॉलिडिटी uh, में आपने जो भी चीज़ लिखा है तो वो यूज़र को कैसे दिखना चाहिए या फिर यूज़र के साथ कनेक्ट कैसे होगा उसके लिए आपको वेब थ्री टूल सीखना पड़ेगा सो so, ये चार चीज़ें सॉलिडिटी उसके बाद ट्रफल सूट उसके बाद आपको गनाश और उसके बाद वेब थ्री टूल ये चार चीज़ें आपको अच्छे से सीखनी पड़ेगी अगर आपको एक डेवलपर बनना है आ, मतलब एक एक आपको एग्जिस्टिंग इथीरियम मतलब एग्जिस्टिंग जो ब्लॉक है उसके ऊपर डेवलपमेंट करना है तो ये चार चीज़ें आपको सीखनी पड़ेगी तो बेसिकली ये इसका बहुत ज़्यादा ऑब्वियसली स्कोप है अभी सब चीज़ें इतने ज़्यादा वेब थ्री वेब थ्री लोग कर रहे हैं इतना हाइप करके रखा है तो ऑब्वियसली इसके बहुत ज़्यादा मतलब कि डिमांड है वेब डेवलपर्स की भी ज़्यादा डिमांड इसलिए बढ़ रही है और वेब डेवलपर में भी आपको अभी ब्लॉक डेवलपर की डिमांड सबसे ज़्यादा हो रही है सो तो ये बहुत न्यू टेक्नोलॉजी है कुछ आ, आगे के दस बारह साल में तो सारी चीज़ें ऐसे माना जा रहा है कि ब्लॉक चेन बेस्ड ही होगी क्योंकि इतने ज़्यादा सिक्योर्ड है इसके जो ट्रांजेक्शन होते हैं वो भी और आगे के जो भी कॉन्ट्रैक्ट्स हो गए डिजिटल कॉन्ट्रैक्ट्स हो गए उसमें बहुत ज़्यादा फिशियर होगा ब्लॉकचेन का टेक्नोलॉजी का इंट्रोडक्शन सो so, बहुत इंपॉर्टेंट है कि आ, कोई भी अगर अभी अगर हम सीख ले तो कभी भी हेल्पफुल ही होगा अफ्रीका में एक कंट्री है सेरा लियोन जहां पर ये एक्चुअली ब्लॉक बेस्ड वोटिंग करी जा चुकी है तो मतलब आप समझ सकते हो कि ये जो क, ये जो टेक है वो अभी थियोटिकल uh, नहीं रहा है मतलब ये एक्चुअली इंप्लीमेंट होने लगा है बहुत सारी जगहों पर तो हम आगे भी हम लोग ऐसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अलग अलग जो कंट्रीज़ के बड़े बड़े इलेक्शन है वो भी ब्लॉक चेन बेस्ड हो या सो आई गेस दैट्स इट फ्रॉम माई साइड गाइस वीडियो थोड़ा लंबा हो गया हैवी भी लग रहा था मुझे तो so आपको थोड़ा भी अगर वैल्यू एड हुआ है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए चैनल को एंड शेयर कीजिए वीडियो को उससे थोड़ा सा मुझे भी हेल्प होगा आपको भी हेल्प होगा सो या आई गेस दैट्स इट फ्रॉम माई साइड थैंक यू